इस वक्त हम क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में हैं, हमारे साथ एक रनर्स ग्रुप है, पीछे से एक और रनर भी आ रहे हैं। ये सब लोग सुबह जॉगिंग करते हैं, इनका एक ग्रुप है और आप देख रहे हैं तमाम लोगों के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। आप बताइए साहब, मास्क लगा करके जॉगिंग कैसा लग रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन का हाल ये है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारे रनर्स आधा से ज़्यादा आना छोड़ दिए हैं। अच्छा, संख्या आधी हो गई है? हाँ, संख्या आधी से भी कम हो गई है। सीनियर सिटीजन्स आते थे, वो नहीं आ रहे हैं बिकॉज उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप दौड़ के आए, कितना किलोमीटर दौड़े? मैंने 5 किलोमीटर का दौड़ कम्प्लीट। अभी अभी ये इस वेदर की वजह से आपके स्टेमिना पर क्या फ़र्क पड़ा? जनरली 10 किलोमीटर के आसपास कवर कर लेता हूँ, बट इस कंडीशन में 5 किलोमीटर भी बहुत मुश्किल है और नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन होती है ज़्यादा दौड़ लेने पे? ब्रीदिंग का सबसे ज़्यादा इशू है, तो आप कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर भी बहुत मुश्किल है, जो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि दौड़ने में सांस की बहुत ज़रूरत है। अगर सांस प्रॉपर नहीं आएगी, एयर में पॉल्यूशन होगा, तो सांस लेने में परेशानी होगी, दौड़ने में डिफ़िकल्टी आएगी, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे आप कुछ पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड एयर, आप कंटेमिनेटेड एयर आप इनसाइड ले रहे हो, तो वो काफ़ी दिक्कत होती है। 5 किलोमीटर में आप थक जा रहे हो, मतलब जल्दी आप टायर्डनेस फील कर रहे हो। हम लोग मैराथन पार्टिसिपेट करते हैं, 8-10 साल हो गए दौड़ते हुए, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इवन एक दो तो हमने सोचा कि स्किप कर देते हैं, नहीं दौड़ते हैं। तो बेटर कि आप मतलब पैर तो सही करोगे दौड़ के, लेकिन और बाकी चीज़ें खराब हो जाएंगे आपके। पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं। मतलब पहले हम दौड़ते थे तो 8-10-12 किलोमीटर तक पता नहीं चलता था, उसके बाद लगता था कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही है। अब तो ये हुआ कि 5-7 किलोमीटर बाद ही लगता है कि भाई सांस फूलना शुरू हो गया, सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है बहुत ज़्यादा। मतलब लंग्स की फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं, बिल्कुल काम नहीं कर पाता लंग्स, पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप दौड़ोगे कहाँ से, स्टेमिना नहीं मिलेगी आपको। इसी वक्त अब आप आपको दिखा देते हैं, ये दिल्ली की हवा है, ये AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली और NCR का, हजार्डस 841 कैटेगरी का। मतलब ये है कि अगर ये 999 के ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर उसको नापने का कोई स्केल नहीं है। इस हजार्डस एयर में अगर कोई जॉगिंग कर रहा है तो वो सीधे सीधे PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम तरह की जहरीली गैस अपने फेफड़ों में भर रहा है। ये सारा रनर्स ग्रुप है, शौक से ये लोग रनिंग करते हैं, अपने फिटनेस के लिए करते हैं, लेकिन अब इनकी हालत ये है कि इनकी रनिंग की कैपेसिटी कम हो गई है, जानबूझ करके ये लोग अब कम दौड़ते हैं, मैराथन में भी कम पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।